मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। एचआईवी का इलाज, क्या एचआईवी का इलाज संभव है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो तरह की बीमारी हो सकती है, या तो आपको रियल में एचआईवी है या एचआईवी का डर है। अगर आपको रियल में एचआईवी है तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एचआईवी का इलाज नहीं बताया गया है। अगर आपको एचआईवी से डरने की बीमारी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें एचआईवी के डर का इलाज जरूर बताया गया है। तो आप गलती यही करते हैं ना, बार बार एचआईवी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और हेल्थ एंजाइटी में वही ट्रिगर फंसता है जो एचआईवी का माध्यम बन सकता है, कारण बन सकता है। तो एचआईवी के कारण क्या क्या है बताओ, एचआईवी के क्या कारण है बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नंबर एक, चलो आपकी भाषा में, जिसे ब्लड ट्रांस बॉडी में ब्लड ट्रांसफर, हाँ। जिसे उस ब्लड ट्रांसफर से नहीं फैलता, संक्रमित इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, हाँ, जिसे हिंदी में कहते हैं संक्रमित, हाँ, संक्रमित ब्लड, खून चढ़ाने से, हाँ। नंबर दो, इन्फेक्टेड पर्सन से के साथ, हाँ? बिना इन्फेक्टेड पर्सन से बिना कॉन्डम के से, इन्फेक्टेड पर्सन से बिना, हाँ, उसे कहते हैं असुरक्षित यौन संबंध, हाँ। ठीक है, और नंबर तीन, सुई इन्फेक्ट, संक्रमित सुई के प्रयोग से, ठीक है, और नंबर चार है संक्रमित माता से उसके होने वाले बच्चे को, मां से, ठीक है। तो इसमें आपके पास कौन सा कारण है, इसमें से आप पर कौन सा कारण लागू होता है, ले आओ कोई बात बताइए। हाँ हाँ बताओ चित्र सेन। नहीं, कोई कारण नहीं है इसमें। जब कारण नहीं है तो फिर एचआईवी तो है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि एचआईवी बिना कारण के तो नहीं फैलेगा। आपको कैंसर हो सकता है, वो वाला तो मैंने आपको बताया ही, वो जब कारण होगा तो होगा ना, खून में या शरीर में उसके होने का फैक्ट मौजूद होगा तो होगा ना, मैं तो नहीं, तो नहीं हो सकता। जब आपके अंदर इन चारों में से कोई कारण है नहीं तो आपको एचआईवी हो नहीं सकता, क्योंकि होता तो फिर सबको ही हो जाता ना, सबको ही होना चाहिए था। बिना कारण होता तो फिर इन चार कारणों को WHO को बताने की क्या जरूरत थी, बताओ। रोग अगर इन चारों कारणों में से एक कारण है आपके अंदर मौजूद तो टेस्टिंग बनती है। कोई एक्सपोजर हुआ है, जैसे एक कारण तो हम हटाई दें, तीन ही कारण होते हैं, एक कारण तो ये तो हटाई दें, संक्रमित माता से, क्योंकि आपकी मां को तो था नहीं, आपका जन्म हो गया, आपने टेस्ट करवा लिया, तो ये चौथा कारण तो गायब, इसके ऊपर बात करने की तो बात ही नहीं, क्योंकि ये कारण तो एक बार शुरू में था, उसके बाद तो ये बिल्कुल गायब। तो अब संक्रमित रक्त चढ़ाने से, अब रक्त आपको चढ़ाया वो संक्रमित है या नहीं है ये आपको थोड़ी ना पता है, तो आप रक्त चढ़ाने के बाद भी अगर टेस्ट करवाते हो वो भी हेल्थ एंजाइटी है। अच्छा, मेरे ये नहीं समझ में आता है कि जैसे ब्लड चढ़ाते हैं, मान लीजिए जिसका मैंने ब्लड, मान ली सपोज दैट चढ़ाया है, वो किया है किसी के साथ, तो तुरंत वो तो पता चलेगा नहीं? देखो उसमें पता चल जाता है, वायरल लोड होता है। नहीं, आप लोग जो मतलब है टेस्टिंग का है ये एचआईवी का, कि तुरंत नहीं पता चलता है? वो कुछ टेस्ट पुराने थे उनमें नहीं पता चलता, अब नए टेस्ट आ गए,
मैं टेस्ट में भी तो जो लिखित में जो भी है उसमें डाटा उसमें भी तो ये हो जाता है, जैसे CD4 इस तरह के, एक लीजा पता नहीं इस तरह के कुछ अच्छे टेस्ट आ गए हैं तो उनमें जल्दी पता लग जाता है। तो टेस्ट तो नॉर्मल वही होता होगा ना ब्लड? नहीं, सब अलग अलग होते हैं कुछ टेस्ट, लेकिन टेस्टिंग करवाने की जरूरत कब है? अगर आपको खून चढ़ा और वो संक्रमित चढ़ गया तो टेस्टिंग के बगैर भी आपको हो जाएगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर प्रोफेशनल संक्रमित खून चढ़ा नहीं सकता है, वो इलीगल है। जब किसी का ब्लड लिया जाएगा तो उसकी HIV की जांच होगी, अगर HIV है तो उसका खून निकाला नहीं जाएगा। वो right? मैं समझ रहा हूँ, मान लिया आज ही एक्सपोजर हुआ उसके साथ, कल उसे ब्लड। एक्सपोजर की बात बाद में आएगी ना, पहले ये संक्रमित रक्त की बात कर लेते हैं। एक्सपोजर वाले पे भी बात करेंगे हम, रक्त वाली तो क्लियर कर लें। अब जब भी खून किसी का निकालना है तो HIV की टेस्टिंग होती है, खून चढ़ाना है तो उसकी भी टेस्टिंग होगी, और जो खून चढ़ाया जा रहा है उसे भी दोबारा टेस्ट किया जाएगा। जो थैली में खून भर के रखते हैं वो इन्फेक्टेड खून रखा ही नहीं जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर HIV का खून निकालता है उसको स्टोर करता है तो वो इल्लीगल है। अब जैसे अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस हो गया था, ऐसे तो होने को कोई बीमारी हो सकती है, उसमें कारण अलग हो सकता है। ट्रांसफर हुआ था, ब्लड चढ़ा था। देखो मानवीय गलतियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कहता भी मानव से भूले नहीं होती, मानव से भूले हो सकती हैं, करता भी है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो भूल आपके साथ ही होगी। लेकिन WHO की गाइडलाइन साफ है कि आप संक्रमित ब्लड नहीं चढ़ा सकते, उसकी पहले भी टेस्टिंग, चढ़ाने से पहले भी टेस्टिंग, स्टोर बहुत बार टेस्टिंग होती है रक्त की, तो इन्फेक्टेड ब्लड से आज तक नहीं हुआ, नहीं होता है। अगर होता है तो वो ऐसे गलती करने को तो लापरवाही कोई करेगा तो होगा ना। अच्छा जैसे मैं तो डरता हूँ, ये तो आपको पता ही है, मेरे से अगर किसी का झगड़ा हो जाए मैं तो हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ। देखो ये आपकी OCD है, मैं तो कहीं लग गई या मुझे लग गई उससे, हाँ तो इसमें आपकी ये OCD है, ऐसे नहीं फैलता उसका। आप एक काम कीजिएगा, आप जो जो डाउट है उसकी लिस्ट बना लें, लिस्ट पे एक एक पे हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, क्या करना है? अभी लंच ब्रेक आएगा, उसमें आपने सारी लिस्ट बना लेनी, ठीक है? फिर हम पहले डाउट ही क्लियर करेंगे, फिर एक्सपोजर करेंगे। जितने भी आपकी लिस्ट में डाउट आते हैं, खून बहता, खून लड़ाई झगड़ा, लार, नाई का ब्लड, सारे आप अपने उसमें लिस्ट में शामिल कर लेंगे, उसका मैं साइंटिफिक रीजन बता के ही आगे बढ़ूंगा। बीच में सवाल नहीं पूछोगे, सवालों का एक सेशन अलग से रखें, क्या समझे? ठीक है, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर कर लीजिए। तो अब देखो, संक्रमित रक्त ना तो चढ़ाया जा सकता है ना ही दिया जा सकता है, क्लियर? तो ये होने की संभावना आप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको ना ब्लड दिया गया ना दिया गया। ओके, संक्रमित सुई, जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो नई सिरंज यूज करता है, नई सुई लेता है, पुरानी सुई कभी भी यूज नहीं की जा सकती है। तो कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ प्रोफेशनल उसमें RMP डॉक्टर, नर्सिस, जो भी मेडिकल स्टाफ है जो इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिनको अथॉरिटी है या अथॉरिटी नहीं भी है, वो कभी भी रीयूज नहीं करेगा, सुई दोबारा यूज नहीं करता है, वो भी इतने सिंसियर होते हैं। बाकी पागलों की इस दुनिया में कमी नहीं है, उनके कारण ही तो डाउट बढ़ते हैं। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं वो हमेशा नई सुई इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको तो डरने की बीमारी है तो उसकी सुई पर ही नजर रहती है। हाँ, मेरे तो कुछ तो पता है कि नई सुई ली थी, फिर भी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, उसका दिमाग खाने, उसको और परेशान कर देते हैं। वो हाथ जोड़ के कहता है, मेरे बाप आइंदा से मैं तुझे इंजेक्शन ही नहीं लगाऊंगा, कभी मेरे पास मत आ जाना। वो उसका दिमाग खा जाते हैं, कह देते हैं सुई दिखाओ, वो दिखाओ, आपने नई सुई ली थी क्या, आपने कहीं पहले सुई
वो तो नहीं ले ली थी क्या? मेरे सामने पैकेट पड़ा था क्या? वीडियो दिखा दो हमें, सीसीटीवी दिखा दो हमें, ये दिखा दो है? उसका दिमाग पूरा खा जाते हैं वो जानबूझ के नहीं खाते, वो परेशान इतने ज्यादा होते हैं। फिर अब डॉक्टर से दिमाग खपाई नहीं हो सकती, तो फिर उनके पास एक रास्ता बचता है, वो है सोशल मीडिया का। फिर वो सोशल मीडिया पर तलाशते हैं, जहां पर दलदल में फंसते हैं। सोशल मीडिया फेक डाटा का समुंदर है, जिसमें 99% डाटा फेक है। यूट्यूब पर 99% वीडियो गलत है, साइकोलॉजिकली झूठे वीडियो हैं, बीमारियों से संबंधित। कोई जाने माने डॉक्टर हैं, वो बहुत कम वीडियो बनाएंगे, बनाएंगे लुल्ले लुच्चे ठग पीर। मैं भी वीडियो बना रहा हूं, दो चार और भी लोग हैं जो सच्चे और अच्छे वीडियो बना देते हैं, बाकी लालची लोगों के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ तो इसमें माफिया हैं, आपने फोन कर लिया, उनके वीडियो भी ज्यादा मिलेंगे, उनके व्यूअर भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनके पास अनाप शनाप पैसा आएगा, तो यूट्यूब पे एड दे करके व्यू भी ज्यादा दिखाएंगे, सब्सक्राइबर भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर उनके पास माल ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो सेटअप भी बढ़िया बना लेंगे, चीजें भी क्वालिटी की ले आएंगे, और ज्यादा उनका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो आपने फोन कर दिया कि मुझे शक है कि HIV हो जाए, मेरा एक्सपोजर हो गया या जो भी हो गया, तो वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है, वो ये नहीं कहेंगे नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो पैसा कौन देगा उनको? वो डराएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर कहेंगे कि हम ठीक कर देंगे, हमारी ये दवाई ले लो, ये प्रेप ले लो, जो भी है, तो वो दवाइयां देंगे, उसमें 40-50 हजार का खर्चा करवा देंगे। जो दवाइयां सिर्फ क्या है, नाम की दवाइयां हैं, सिर्फ पिल्स हैं, मीठी गोलियां हैं, पता उनको भी है इसको HIV तो है, नेगेटिव है, लेकिन रिपोर्ट आप भेजोगे कि नेगेटिव, वो कहेंगे अभी तो नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव आ जाएगी, अब आप तो फंसे हुए हो। उनको पता है बाद में भी नेगेटिव है, लेकिन पैसा ढूंढना है, तो वो खाली पिल्स बेचेंगे जो 5 रुपए की है, लेकिन वो 50 हजार ले ली। अब आपने 50 हजार दे दिए और टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, तो आपको लगा कि दवाई से ठीक हो गए, अरे दवाई तो थी ही नहीं। तो ऐसे माफिया हैं जो दवाइयां बेचते हैं, तो उस माफिया पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो अभी तक आप ये समझ गए ना कि संक्रमित सुई का प्रयोग डॉक्टर नहीं करता है। ये संक्रमित सुई का प्रयोग कहां से हुआ? जो नशा करते हैं, ग्रुप में नशा करते हैं ना, जैसे 5-10 लोंड इकट्ठे हो गए, वो यहां लगा रहे हैं, वही सुई दूसरे लगा रहे हैं, अब एक को HIV है तो वो दूसरी को भी, दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसे होता है। डॉक्टर वाली सुई से नहीं होता, जो नशा करते हैं उस सुई से होता है, समझ गए? क्या समझे? डॉक्टर की सुई से नहीं होता जो नशा करते। हाँ, सुई अंदर से खोखली होती है, उसमें हवा नहीं जाती, तो उसमें ब्लड है, उसमें हवा नहीं जाएगी, उसमें वायरस जिंदा रह जाएगा। अच्छा, वही दूसरे के अंदर खून गया, सीधा वेन में गया, तो जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसमें चला गया, तो उसको हो जाता है। और कोई सुई ऐसे पड़ी है बाहर? बाहर पड़ी है, मान लो पॉजिटिव की है, तो उसका भी समय होता है कि कुछ मिनटों तक अंदर वो ब्लड गीला रहेगा, जब तक वो गीला है, उसको हवा नहीं लगी, तब तक तो उसमें वायरस रहेगा, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आया, विद इन सेकेंड मर जाएगा, या ब्लड का बाहर आ गया तो वो उसमें मर जाएगा। सुई पड़ी है उसमें, कुछ देर के बाद वो अपने आप ही मर जाएगा, वो तो कुछ सेकेंड सुई ली और लगा दी तो होगा। सुई पड़ी है उसमें कोई संभावना नहीं, उसमें वो मर जाएगा। ओके, चलिए, तो ये चौथा जो कारण है असुरक्षित यौन संबंध, उसको हम और डिटेल से जानेंगे, उसमें आएंगे, तो उसको करेंगे हम ब्रेक के बाद या लंच ब्रेक के बाद। तब तक मानो तो मौज, वरना समस्या तो रोज हर रोज है।